आज बालों के लिए ऑयल बनाऊंगी जिससे बाल हेल्दी हो जाएंगे। उसके लिए मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली। अगर आयरन की नहीं हो तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें हम 1 कप तेल डालेंगे। अब गैस ऑन करेंगे। हम गैस की फ्लेम तो फुल रखेंगे। तेल को पहले गर्म करेंगे। ये तेल गर्म हो चुका है। हमने सरसों का तेल लिया हुआ है। सरसों का तेल बालों के लिए अच्छा रहता है। अब मैंने ये आंवला लिया है। इनको पहले अच्छे से वॉश किया और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटा है। ये हम इस ऑयल में डालेंगे। आंवला भी बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। आंवला का शैम्पू लगाएंगे या आंवले से बना हुआ तेल लगाएंगे, बालों में बहुत जान सी आ जाती है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ना ये आंवला काले हो जाएंगे, पूरे तरह से फ्राई हो जाएंगे। आंवला फ्राई हो चुके हैं। देखिए हमें गैस की फ्लेम कम रखनी है ताकि इनका सारा जूस तेल में आ जाए आंवले का। अब हम इसमें ये कड़ी पत्ते डालेंगे। इनको हमने अच्छे से वॉश करके सुखा दिया। ये भी हम इसमें डालेंगे। इसको भी फ्राई होने देते हैं इसके साथ ही। और हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी से जो अगर सफेद बाल होंगे वो काले हो जाते हैं और बालों के जो रूट्स है वो मजबूत हो जाते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच हल्दी डालूंगे। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। ये सारी चीजें इसमें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है तेल में। इस तेल को हम मालिश करना बालों में। अगर रात को करेंगे तो सुबह शैम्पू करना बालों को, सिर धोना। अगर हम रात को नहीं करेंगे तो दिन में भी कभी 2 घंटे तक सिर में लगा के रखना ये तेल। उससे बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे, बाल जड़ेंगे नहीं। अगर व्हाइट बाल हो चुके हैं वो काले हो जाएंगे। अगर आप 1 या 2 महीने लगातार तेल लगाओगे, बालों की पूरी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। इसको अब हम पहले ठंडा करेंगे, फिर छान के किसी बोतल में रखेंगे, फिर इसको यूज कर सकते हैं हम। ये ठंडा हो चुका है तेल। अब हम इसको छान के किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। मैं इसको छानूंगी ऐसे। इसमें ये बन गया ये तेल। इतना जब भी आप बैठे हो, 2 घंटे पहले सिर धोना हो तो 2 घंटे पहले ये तेल लगाना, फिर उसके बाद सिर धो लेना। इससे बाल सफेद हो तो काले हो जाएंगे, बाल जड़ रहे तो वो भी बंद हो जाएगा, डैंड्रफ हो वो भी ठीक हो जाएगा, पूरी बालों की समस्या इससे ठीक हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।